सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, बहुत दिनों से सोच रहा हूँ मैं कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊँगा, लेकिन मैं बना ही नहीं पाता था क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था। अब फ़ोन ले लिया हूँ मैंने, तो अब आज ट्राई करते हैं ब्लॉग बनाने का। आप कमेंट करके बताना कि कैसा बनाए, सही है गलत है, क्या कम ज़्यादा है। चलो ट्राई करते हैं। ये है मेरा रूम, यहाँ पर मैं सोता हूँ। इधर पैरा वगैरह रखा हुआ है और आगे वाला भाग है ये मेरे घर का। उठते ही सबसे पहले सूर्य देव के दर्शन होते हैं और ऐसे 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 करता हूँ मैं यहाँ पे आके। आज खाने में बनाए दाल, बरबट्टी की सब्जी और ये नए नए दूध का चीक है। आपके इधर क्या बोलते हैं पता नहीं। तो गाइस, अब हम जाएंगे खेत क्योंकि हमारे पास धान काटने वाली मशीन है, उसको हम चलाते हैं। ये रहा सामान, चलना अभी हाथ में पकड़ता हूँ फोन कट्टा तक, मेरे को डब्बा पकड़ना। चलो अपन पहुंच गए हैं खेत। अब मशीन को साफ कर रहे हैं। किसका फोन आ रहा है? बड़े पापा का फोन। हेलो, हाँ बड़े पापा, मशीन तो इकड़े आन लो तू, पातरी बंदी काटा वाले धान। हाँ ठीक है ठीक है। वीडियो बना ले। तो गाइस चल ठीक है, मौत दूसरे की मशीन आन। तो गाइस, लोगों के धान में बीमारी लग गई है, तो अब बोल रहे हैं कि कल आई तो आई, नहीं तो दूसरों की मशीन ला लेंगे। बताओ, सुबह सुबह रोज ऐसे इसको साफ करना पड़ता है, साला बहुत कचरा फंस जाता है। और गाइस अपन हो गए हैं रेडी। एक घंटा मैंने मशीन चलाया, अब एक घंटा प्रभात चलाएगा, उसके बाद और एक घंटा मैं चलाऊंगा, फिर एक घंटा प्रभात चलाएगा। ऐसे एक एक घंटा काटते, ऐसा करके हम दिन भर में तीन बार चलाते, मतलब 6 घंटा या 7 घंटा मशीन चलाते हैं। पैसे कमाना उतना भी कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। वैसे हम बहुत भारी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत सरल है। हाँ, लेकिन मजदूरी से तो अच्छा ही है। लेकिन धूप बहुत है गाइस, मैं तो काला होने वाला हूँ सच्ची बताऊँ तो। गाइस आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये पूरा धान हरा हरा दिख रहा है। ये देखो, ये पूरा हरा दिख रहा है, लेकिन ना इस पर बीमारी लग गई है। ये देखो, इस टाइप की इल्ली साला इसको पूरा खाए जा रही है। ये देखो, ये पूरे धान में एक भी पत्ती नहीं दिख रही होगी आपको। देखो, दिख रही है कोई पत्ती? पूरी पत्तियाँ खा गई है इनने। और अब तो ये जो लोम है ना, इसको क्या बोलते हैं आपके इधर पता नहीं, ये जो लोम है ना, इसको भी खाए जा रही है और पूरा नीचे गिरा रही है। ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो दिख रहा है धान पूरा नीचे गिरा हुआ। तो इस टाइप की बीमारी चल रही है हमारे इधर, पूरा धानों का नाश हो गया है, किसानों का बहुत नुकसान है गाइस, बीमारी आई तो। ये पूरा धान वैसा ही है, ये जितना भी दिख रहा है ना, बहुत सारी इल्ली है इनमें। गाइस अब आ चुकी है मेरी बारी धान काटने की। गाइस मैंने खाना वाना खा लिया बकाया था, अब हर सफाई में मशीन 2 घंटा समथिंग चला लिया है, अब मेरी बारी आई है, अब भाई को मैं खाना खाने भेज रहा हूँ। तो गाइस हो गया अपना 1 घंटे का काम, अब प्रभात चलाएगा, तब तक के हम मजे करें। गाइस मैंने एयरबड्स लिया हो ताकि मैं काटते काटते गाने सुन सकूँ, कुछ लगता ही नहीं काटते जैसे गाने सुनते रहो तो। ये देखो कितनी सारी इल्ली है, इधर भी है ये। प्रभात ने खाना खा लिया है तो मैं भी खाना खा लेता हूँ। बरबट्टी की सब्जी जो आज सुबह सुबह बनी थी, और ये केंट में दाल, केंट में दी है ताकि गिरे ना, ऐसी रहती है बाबा खेत की जिंदगी। सब्जी मस्त बनाई है मेरी मम्मी ने। मशीन का एक नट घूम गया है, इसने मशीन बंद किया और आवाज़ लगाया, नट घूम गया है तो जल्दी ले गया। अब इसमें ढूंढूंगा नट, होगा तो ठीक, नहीं तो फिर गांव जाना पड़ेगा, गांव से नट लेके आना पड़ेगा और फिर लगाना पड़ेगा। साला एक नट भी घूम जाए तो मशीन नहीं चलती है। कौन सा वाला नट ये? कौन सा नट का आ गया? उसको तो खोला भी नहीं था मैंने, तो उसको साफ भी नहीं किया था आज। वो क्या होता है बता, क्या वो झटकों की वजह से, वो देखिए नट जाते हैं, दो चार ना दोनों दिवस
तार बांधे बंद चलो अगला साल तार नहीं नटा आया था मेरे दिस साल ना तो ओलेवर नहीं था ये आता जाता जाता गया लगा चार पांच नट हम एक्स्ट्रा रखते पूरे जितने भी है ना पूरे रख दिए है क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि साला घर जाना पड़ता था छोटी सी चीज़ के लिए और इसके कारण बहुत टाइम वेस्ट होता था तो नट वट सब अवेलेबल कर दिए हमने लेना पड़ेगा भाई एक दो ही बचे होंगे अभी तो बस हो गई मशीन चालू ज़्यादा दिक्कत वाला काम था नहीं मैंने बस खाना निकाल ही लिया था अच्छा हुआ खाया नहीं हाथ वाथ भराया नहीं तो गाइस इस खेत का काट के हो गया धान अब जाएंगे दूसरे खेत में इनके खेत में चला है ये देख लो ढाई घंटा साला ना ये मशीन को एक खेत से दूसरे खेत ले जाने बहुत दिक्कत है बाकी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है साला चलाने तो मेरे को मजा जाती है चार घंटे बीस मिनट ना अच्छा चला ढाई घंटे इस मशीन के मालिक भी हम हैं और नौकर भी अभी तक के नौकर थे अब थोड़ा मालिक बन गए अब जाएंगे दूसरे खेत में फिर से वहाँ नौकर बनेंगे और कुत्ते के जैसे चलाएंगे ये एक नौकर रहा सॉरी मालिक मालिक चलो ये देखो इतना सारा सामान लेके आते हम पूरे कपड़े वपड़े क्योंकि साला क्या है ना जब से इंस्टा पे 1 लाख फॉलोअर्स हुए और लोगों ने पहचानना चालू किया तब से गांव से मशीन लेके जाना पड़ता है तो ये ऐसे नए कपड़े पहनना जरूरी है ताकि लोग बोले ना क्या करें जब से इंस्टाग्राम रील बनाते ना तब से ये समस्या है जब हम वायरल नहीं हुए थे ना मतलब फेमस नहीं थे थोड़ा बहुत अभी भी फेमस कहाँ फेमस है साले अपन मतलब थोड़ा बहुत तो है गाइस पेट्रोल ले रहे 1000 रुपये क्योंकि गांव में बहुत धान काटना है गाइस एक खेत का काट के हो गया था धान तो अब हम दूसरे खेत में जा रहे थे लेकिन रास्ते में हमारा घर भी था तो मैं घर पे आ गया था खाना खाने के लिए बाकी गाइस मैं बता देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है बहुत आसान है मशीन लेके जाना इस खेत से उस खेत में अब भाई का ही धान है भाई का ही धान काटना हम उधर से धान काट के आ गए लेकिन साला दूसरा वाला खेत है नदी से जाना पड़ेगा जिसमें वो हमारा ही है वो उधर से एक दूसरी रास्ता है लेकिन वहाँ पे धान आता है तो वो आया नहीं अभी इसलिए हमको इधर से समस्याओं का समाधान करते हुए जाना पड़ा हम आ गए हमारे खेत तो अब हमारी बॉस है मेरी मम्मी बहुत हुकुम चलाती है मेरे घर का भी धान काट के हो गया और दूसरे ऑर्डर आए हैं अब जाएंगे दूसरे खेत में मशीन रखेंगे घर नहीं ले जाते इधर ही किया है क्योंकि मेरे खेत के पास में ही है दूसरे खेत में वहाँ पे मशीन छुपा के रख देंगे फिर से कल सुबह आएंगे फिर से यही सब चलेगा और सब चलते रहेगा पाँच छः नहीं 2 महीना तो चलेगा पैसा आते ही रहेगा आज का कार्य संपन्न हुआ टाइम हो रहा है 6:05 6:08 पर हम घर पहुँच जाएंगे 7 बजे तक ब्लॉग एडिट करके मैं कर दूंगा पोस्ट चलो हो गए नहा धो के तैयार अब हम जाएंगे नाका डूंगरी क्योंकि मेरा जूता फट गया है और बिना जूतों के काम नहीं कर सकते तो जूते भी लेना है और कुछ खा पी के भी आ जाएंगे ये 300 रुपये के मिले हैं सबसे सस्ते जूते 300 वाले यही हमारे काम के बाकी सब तो महंगे हैं और महंगे हमको चाहिए नहीं अब कुछ खाने चलते हैं रास्ते में लिए है हमने मुंगोड़े खाओ रे गरीबों खाओ खाने में बना है रोटी ये बड़ी और ये जबी की बरबट्टी गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना पसंद आया होगा तो ही लाइक करना नहीं तो मत करना और क्यों नहीं आया ये भी जरूर बता देना मैं उसको अगली बार ठीक कर दूंगा और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो यार कह जाता है सब्सक्राइब कर देना है कि नहीं मिलते हैं नए ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।